सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इस वक्त एनसीबी की कस्टडी में है। ड्रग्स मामले में बीते रविवार के दिन एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बीते शनिवार की रात आर्यन खान एक पार्टी में शामिल हुए थे। ये पार्टी चल रही थी मुंबई से गोवा जा रहे एक लग्जरी क्रूज पर। जैसे ही एनसीबी के अधिकारियों को जानकारी मिली कि यहां पर एक रेव पार्टी चल रही है, इस पार्टी पर छापेमारी कर दी एनसीबी के अधिकारियों ने और आर्यन खान के साथ साथ कई लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया। इसी मामले के चलते आर्यन खान काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। इस वक्त आर्यन खान एनसीबी की कस्टडी में हैं और इसी बीच उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। अपने बेटे आर्यन खान के चलते काफी ज्यादा चिंतित और परेशान है सुपरस्टार शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान। शाहरुख खान अपने तीनों ही बच्चों से कितना प्यार करते हैं ये बात जग जाहिर है। शाहरुख हमेशा ही अपने बच्चों पर प्यार बरसाते हुए देखे जाते हैं। अपने बेटे आर्यन के लिए शाहरुख और गौरी ने अपने सभी काम होल्ड पर डाल दिए हैं और इसी बीच काफी ज्यादा जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं अपने बेटे को बेल दिलाने के लिए। इसी दौरान देखा जाए तो शाहरुख और आर्यन को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। इस ड्रग्स मामले को लेकर लगातार अपडेट्स आ रही हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को कि जहां एक ओर आर्यन खान बेहद बड़ी मुसीबत में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मामला हद से ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले की जांच पड़ताल में एनसीबी की टीम लगातार जांच करने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अब मुंबई पुलिस भी इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दी है। इसी दौरान देखा जाए तो आर्यन खान काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए नजर आए हैं, नर्वस होते हुए नजर आए हैं। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करने जा रहे हैं जब शाहरुख अपने बेटे आर्यन से मिलने पहुंचे उस दौरान आर्यन की हालत कैसी हो गई थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। शाहरुख अपने बेटे आर्यन से बेहद प्यार करते हैं। जब वह अपने बेटे आर्यन से मिलने पहुंचे उस दौरान आर्यन काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए इस पूरी ही खबर के बारे में। देखिए यह रिपोर्ट। बॉलीवुड की मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की लाडली प्यारी बहू पॉपुलर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। जी हां, ऐश्वर्या राय ने एक बार फिर से फैंस को दीवाना कर दिया है अपनी खूबसूरती के जरिए। दरअसल बता दें आपको कि इन दिनों ऐश्वर्या राय बच्चन अपने पति एक्टर अभिषेक बच्चन और अपनी बेटी आराध्या के साथ फॉरेन टूर पर है। ऐश्वर्या राय इन दिनों दुबई एक्सपो में शामिल होने के लिए यूएई पहुंची हैं। इस दौरान ऐश्वर्या राय बच्चन ने स्टैंड अप अगेंस्ट स्ट्रीट हैरेसमेंट कैंपेन में शामिल हुई हैं। ऐश्वर्या राय की मेकअप आर्टिस्ट आदित्य शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐश्वर्या राय के साथ की खूबसूरत तस्वीरों को शेयर किया है। इन तस्वीरों को देखते हुए फैंस उनकी दीवाने होते हुए नजर आए हैं। जरा देखिए हमारी इस रिपोर्ट में कि ऐश्वर्या राय पिंक डार्क कलर की लिपस्टिक के साथ खुले बालों में नजर आ रही हैं और ऐश्वर्या राय ब्लैक कलर की ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आ रही हैं। ऐश्वर्या राय ने मैचिंग इयररिंग्स से अपने लुक को कंप्लीट किया है। लाइट ज्वेलरीज कैरी की हैं ऐश्वर्या राय बच्चन ने। ऐश्वर्या राय बच्चन की हेयर स्टाइलिस्ट के साथ ये तस्वीरें सामने आई हैं और सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय बच्चन की ये तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, दुबई से पहले ऐश्वर्या राय पेरिस में थी और पेरिस फैशन वीक में रैंप वॉक किया था ऐश्वर्या राय ने। उस दौरान ऐश्वर्या राय व्हाइट कलर की खूबसूरत गाउन में नजर आई और उन्होंने पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी और इसी के साथ लाइट ज्वेलरीज कैरी की थी ऐश्वर्या राय ने और रैंप वॉक के जरिए फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस तरह से ऐश्वर्या राय सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं और अपनी दिलकश तस्वीरों से हर किसी को दीवाना कर रही हैं।
वर्कफ्रंट के बारे में बातचीत की जाए तो ऐश्वर्या राय बच्चन आप सभी को नजर आएंगी फिल्म पोनियन सेल्वन में। इस फिल्म की शूटिंग में काफी व्यस्त नजर आई थी ऐश्वर्या राय बच्चन और साल 2022 में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा जाना कि अपने पिता शाहरुख को देखकर आर्यन काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। जब उनकी अपने पिता शाहरुख से फोन पर महज 2 मिनट बात हुई थी उस दौरान भी आर्यन रोने लगे थे। पूछताछ के दौरान आर्यन कई बार इमोशनल हुए हैं और अपने परिवार को काफी ज्यादा याद कर रहे हैं क्योंकि आर्यन इस वक्त एनसीबी के लॉकअप में है। फिलहाल देखा जाए तो इस मामले को लेकर लगातार अपडेट्स आ रही हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।